अस्सलाम वालेकुम जी। सीन कुछ यूं है आज कि अभी हम जाने लगे, हमारे एक दोस्त हैं, उनका हड़प्पे के करीब फार्म हाउस है, तो उधर हम जाने लगे हैं। मैं हूँ, इमरान भाई है, हारून है, राना इमरान है, हम सारे उधर जाने लगे हैं वो देखने के लिए जगह, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वहाँ पर एक दिन स्पेंड करें ज़रा जाकर, और देखें कि किस तरह का एनवायरनमेंट है सारे का सारा, क्योंकि वहाँ पर कोई हल्ला गुल्ला करना होगा तो फिर बंदा उधर जाता है। तो आज देखेंगे जाकर उनका फार्म हाउस कैसा है और किस तरह का बना होगा, क्योंकि हमने अभी प्लान किया हुआ था ईद के बाद का भी टाइम है, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ पर दम पुख्त वगैरह बनाए, दम पुख्त एक डिश है वो बनाने का हम उधर सोच रहे थे। तो अभी लोकेशन देख कर आते हैं, फर्स्ट टाइम जाना है आज हमने, तो देखते हैं। सुना बहुत अच्छा उन्होंने फार्म हाउस बनाया। इमरान भाई किधर जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं मियाँ अशरफ साहब के फार्म हाउस पे, वहाँ पे अब हमने गेट टुगेदर करना है फैमिली का, तो इस चीज़ें चेक करने जा रहे हैं। फार्म हाउस पर जा रहे हैं जी, शेख साहब की गाड़ी पर चले हैं। शेख साहब की मुर्गियाँ, हाँ, और ये शेख साहब की मुर्गियाँ, ये मुर्गियाँ ये, तो अभी रास्ते में भी कुछ व्यूज़ आपको दिखाऊँगा, बाकी हम मुलाकात करते हैं मियाँ साहब के फार्म हाउस पर। ओके जी, तब तक अल्लाह हाफिज़ जी। ये हड़प्पे के करीब है जगह जहाँ पर हम जाएंगे, हड़प्पे से कोई 4-5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ पर जाना हमने, तो जाते हैं। आप देखते हैं कैसी जगह, इंशाल्लाह आपको भी चेकआउट करवाते हैं। ये भी हम पहुंच गए हैं फार्म हाउस में, ये अभी हम बैक साइड पर खड़े हैं क्योंकि अभी सामान आ रहा है, तो वो सामान उतार रहे थे, सोफे वगैरह, बेड वगैरह, ये सारा ना अभी वो रेनोवेट कर रहे हैं। तो ये साहिवाल से कोई 8-10 किलोमीटर के फासले पर है जी। ये चीकू का लगा हुआ दरख्त, वैसे सब किस्म के हैं यहाँ पर, सब किस्म के पौधे लगे हुए हैं। तो ये एंट्रेंस है जी, ये किचन था जहाँ से हम गुजरेंगे, किचन है, ये सारा किचन है। ये देखे ना, ये सामान रख रहे हैं, की बात चल रही है यहाँ पर बनाने के लिए। राणा साहब क्या सजेशन दे रहे हो आप? राणा साहब एसी देखने लग पड़े हैं जी, आप ये साका भाई बैठे हैं इधर।
ये अच्छा मशवरा दे सकते हैं, ये माशाल्लाह सीनियर पर्सन है। कौन जी? इमरान भाई दे सकते हैं। इमरान भाई दसो तो कोई की फिर प्रोग्राम रखे है? इंशाल्लाह जी खज्जल खराब होने का पूरा प्रोग्राम है, इसलिए अपना अपना खाना नाल करो मिले। लेकिन इतनी डिस्कशन के बाद अब ये रिजल्ट निकला कि हम दामपुख्त से हाथ उठा लिया सारों ने, अब जाएंगे और बनाएंगे सिर्फ टिक्के कबाब जी। बारबेक्यू करने का प्लान है, वो ही करेंगे। अब एसी अभी चलाया, टेम्परेचर 47 जा रहा है जी, अभी काफ़ी गर्मी है यहाँ। आप जगह पॉइंट देख लिया, बात हो गई मियां साहब से, आप इंशाल्लाह हम किसी दिन यहाँ पर आएंगे और बारबेक्यू वगैरह करेंगे। जगह हमने बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़बरदस्त है ये, और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे यहाँ पर आप और हम इकट्ठे रल के। फिर मुलाकात होती है आपसे, अल्लाह हाफिज। लें जी, अब हम घर पहुँच चुके हैं, सही वाला आ गए थे, 10-15 मिनट हो गए, अब खाने का वेट हो रहा है। खाना हमने ऑर्डर दिया बाहर से, कढ़ाई आ रही है रूम साहब। हाँ जी, कढ़ाई आ रही है जी, लसानी वालों से, वहाँ आलम दारुल माही से कढ़ाई आ रही है जी, तो उसका वेट कर रहे हैं। अब आती है तो फिर खाते हुए आपको दिखाते हैं भी उसका टेस्ट कैसा है। अब बर्तन वगैरह लग रहे हैं और दही लेने के हैं, बस खाते हैं 5-10 मिनट। Chop it, chop it, chop it.